बिल्कुल खुलने चाहिए, ऐसे पब्लिक को रिजनेबल रेट में सामान मिलेगा वहाँ पे, और डिस्काउंट्स बहुत सारे होते हैं, उनके ऑफर्स होते हैं। जम्मू से बाहर भी है तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल होने चाहिए ओपन। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट मिलेगी जी बच्चों को। फिर तो ट्रेन्स भी नहीं होनी चाहिए थी, फिर तो ई रिक्शाज आ रहे हैं तो फिर ऑटो वाले बोलेंगे कि हमारा क्या होगा। फिर कल को मेट्रो आएगी तो बोलेंगे, मेटाडोर वाले बोलेंगे, तो ये कभी बंद नहीं होगा। ये डेवलपमेंट ऐसे चलनी चाहिए। मेरे हिसाब तो बेस्ट है क्योंकि इसमें हमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, आम कस्टमर को मतलब बेनिफिट मिलेगा। जो डिस्काउंट है उससे तो मतलब आम पब्लिक को तो फ़ायदा ही होगा। लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी, बहुत अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट करते हैं हम सब। ऑलरेडी बिजनेस चल रहे हैं, वो तो चलते रहेंगे, कुछ कोई इफेक्ट नहीं होगा उससे। पहले भी तो थे, बिग बाज़ार भी था जी। और भी बहुत सारे मॉल्स हैं यहाँ पे भी हैं, वे में भी हैं, सब जगह है, चलेगा हमको, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो खुलना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे जैसी चीज़ें एक्सप्लोर हो रही हैं तो डिजिटल चीज़ें मतलब जो बड़े बड़े मॉल्स हैं वो खुलने चाहिए, जिससे अच्छा बेनिफिट रहे लोगों को। अगर डिस्काउंट्स मिल रहा है तो वहाँ पर तो लोकल आदमी जो कस्टमर वो तो बच जाएगा। अगर मेरे को 100 रुपये की चीज़ वो 80 रुपये में, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू रन स्टोर, क्योंकि वो ऐसा कुछ इनिशिएटिव ले रहे, इट्स बेस्ट फॉर अवर्स। एक ग्राहक जो होता है, कस्टमर को, उसको चॉइस मिलता है, और कोई बात नहीं है, खुलनी चाहिए और सबको इसका साथ देना चाहिए। KS फर्नीचर हाउस में दिवाली फर्नीचर कार्निवल पे पाएं अप टू 60% का डिस्काउंट। रिलायंस के स्टोर्स जम्मू में ओपन होने जा रहे हैं, इसके लिए काफी लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया है। तो चलिए आइए आम लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं उनकी क्या राय है इस बारे में कि रिलायंस के स्मार्ट स्टोर्स जम्मू में ओपन होने चाहिए या नहीं। तो चलिए आइए चलते हैं। रिलायंस के जो स्टोर्स हैं वो जम्मू में ओपन हो रहे हैं, तो इसमें आपकी क्या राय है, क्या वो खुलने चाहिए या नहीं? बिल्कुल खुलने चाहिए, ऐसे पब्लिक को रिजनेबल रेट में सामान मिलेगा वहाँ पे, और डिस्काउंट्स बहुत सारे होते हैं, उनके ऑफर्स होते हैं। जम्मू से बाहर भी है तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए यहाँ पे। नहीं, बहुत अच्छी बात है, दुकानदारों को क्या, उनको अपना अपना बिजनेस देखना है, और हमारे जम्मू के लिए अच्छी बात है, डिजिटल बन रहा है, अच्छा बन रहा है, और अंबानी साहब की सपोर्ट है, और स्मार्ट सिटी बन जाएगी, उससे बढ़िया क्या चाहिए हमें, बहुत अच्छी बात है जी। मैम, पब्लिक के हित में जो हो वही होना चाहिए, जो सही हो। बट सर, जम्मू के ही कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, दुकानदार कह लो, सारे प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे कि नहीं खुलने चाहिए। एक्चुअली दुकानदार को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें जो मेन जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो जो उनका एक मोनोपोली था कि भाई डिस्काउंट वगैरह नहीं देते थे वो जी। अपने मन चाहा वो मतलब रेट पे सामान बेचते थे, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी उनकी ख़त्म हो रही थी जी। दैट्स वाई वो मतलब बोल रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटे दुकानदारों को क्या प्रॉब्लम है जी? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे जैसे बंदे, नीडी बंदे जिनको है उनको मिलेगी, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी, बहुत अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट करते हैं हम सब। देखो, जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि 2-4 दिन पहले मैंने न्यूज़ सुनी थी कि रिलायंस के स्टोर खुल चुके हैं जम्मू के अंदर, और उसके अगेंस्ट कुछ लोग जो यहाँ का चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जी। तो कुछ चीज़ें जैसे आम पब्लिक के लिए तो ये चीज़ें मतलब अच्छी हैं यहाँ पे, अगर हमें जो मतलब जो रेट्स मिलेंगे रिलायंस के अंदर वो अच्छी चीज़ें मिलेंगी, और हमें मतलब फ़र्क मतलब उसका महसूस अच्छा फ़र्क क्लाइंट के तौर पे देखा जाए तो हमें फ़र्क होगा उसका। लेकिन क्या है, दूसरे एंगल से क्या होता है कि जो आम कस्टमर जो आम मतलब है शॉप्स हैं उन पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ सकता है, स्मॉल बिजनेस जो है उन पर इफेक्ट पड़ सकता है। बिल्कुल लोकल बंदों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो जनरेट होगा। दूसरा है कि रिजनेबल रेट में सामान मिले, सबसे बड़ी बात यह है कि रिजनेबल रेट में सामान मिलेगा जी। तो इसमें बीच में गवर्नमेंट ने कोई सलूशन निकालना चाहिए कि उन पर भी कोई असर ना हो, और पब्लिक भी जो है वो मतलब जो है जो वहाँ से ले रही है वहाँ से भी ले सके, और आम ट्रेडिशन से भी मतलब मार्केट से भी ले सके। मैडम, ओपन होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ठीक है, उनका अच्छे रेट्स हैं यार, ये महंगे लगाते हैं। कौन महंगे लगाते हैं? ये जो यहाँ पे बैठे हैं, अपना कनक मंडी, ये अपना वेयर हाउस जी। हाँ जी। तो खुलने चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे जैसी चीज़ें एक्सप्लोर हो रही हैं तो डिजिटल चीज़ें मतलब जो बड़े बड़े मॉल्स हैं वो खुलने चाहिए, जिससे अच्छा बेनिफिट रहे लोगों को। 50-50% रहा है, क्योंकि अगर आपके प्राइवेट स्टोर्स ओपन हो रहे हैं तो उसमें एक तो अनएम्प्लॉयमेंट जो कैंडिडेट्स हैं हमारे उसके लिए अपॉर्चुनिटी खुलेगी, ठीक है। लेकिन जो हमारा आम जो दुकानदार है, जैसे हमारे लोकल जो दुकानदार होते हैं उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स वाली बात है। हाँ, अगर उनके लिए कोई अल्टरनेट निकले, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो दुकान कर रहे हैं तो गवर्नमेंट उनके लिए कोई अल्टरनेट निकालती है कि उनके बिज़नेस पे कोई इंपैक्ट ना पड़े, फिर ये अच्छी चीज़ है। एक्चुअली ऐसा कुछ होना चाहिए जो जम्मू जो स्मार्ट सिटी बननी चाहिए, क्योंकि रिलायंस इज गिविंग द पैन इंडिया नंबर वन डिस्काउंट्स दे रहे हैं आजकल के ऑफर्स है, वो लोकल हमें यहाँ से नहीं मिल रहा है। प्लस इफ़ यू गो दो सेलिंग ऑनलाइन से भी कहीं से भी जो डिस्काउंट्स है प्रोडक्ट्स अवेलेबल है वो तो मिल जाएंगे। वैसे रिलायंस यहाँ पर एक
नया जम्मू ही बन सकता है, क्योंकि वो मॉडिफिकेशन हो जाएगी, नई नई चीज़ें, डिस्काउंट, मेजर इंपॉर्टेंट डिस्काउंट्स। अगर डिस्काउंट्स मिल रहा है तो वहाँ पर तो लोकल आदमी जो कस्टमर वो तो बच जाएगा। अगर मेरे को 100 रुपये की चीज़ वो 80 रुपये में, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू रिलायंस स्टोर, क्योंकि वो ऐसा कुछ इनिशिएटिव ले रहे, इट्स बेस्ट फॉर अवर्स। सो वी नीड टू गो फॉर रिलायंस स्टोर, तो यहाँ पे मोस्ट होना ही चाहिए, ओपन होना चाहिए, कहना की न्यूट्रल चले, उनको भी फायदा हो तो लोकल बिजनेस, स्मॉल बिजनेस को भी, हर किसी को बेनिफिट हो तभी सारा सिस्टम चलेगा, नहीं तो ऐसे उनको नुकसान हो जाएगा, फिर एक ही पार्टी का बेनिफिट होगा, बाकी उनको नुकसान हो जाएगा। मेरे हिसाब तो बेस्ट है, क्योंकि इसमें हमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, आम कस्टमर को मतलब बेनिफिट मिलेगा, जो डिस्काउंट है उससे तो मतलब आम पब्लिक को तो फायदा ही होगा। जी सर, अगर ये स्टोर्स खुल गए तो इस कहीं ना कहीं लोकल बिजनेस, स्मॉल बिजनेस भी इफेक्ट होगा? देखो, इफेक्ट तो हो जाएगा, नो डाउट, ऐसा कुछ लोकल तो अगर है, लेकिन एक किस्म से हमें कस्टमर को बचाना, लोकल जनता को बचाना, क्योंकि लोकल जनता बोलते नहीं मुझे डिस्काउंट चाहिए, जहाँ पे मुझे बेस्ट प्रोडक्ट मिले या डिस्काउंट मिले मैं तो वहीं पे जाऊँगा। अगर मैं लोकल हूँ, मुझे लोकल से क्या मिल रहा है, वो तो मुझे ऐसे कुछ मतलब 100 रुपये की चीज़ 100 रुपये देगा, अगर मुझे डिस्काउंट मिला तो मुझे तो जाना पड़ेगा। तो सर, आम पब्लिक को तो फायदा होगा ही होगा, जो लोकल बिजनेस है, जो लोकल और कह लो स्मॉल बिजनेस कह लो, वो इफेक्ट नहीं होगा? बिल्कुल होगा, मैं तो अपनी राय दे रहा हूँ, लेकिन उनको भी असर पड़ेगा जी, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ तो लॉस तो हो जाएगा। ओपन होने चाहिए, ऐसा कोई कुछ नहीं है, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी उससे सबके लिए जी, काफ़ी सारे जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है वो काम पे जाएगा, काम पे जाएगा। सर, एम्प्लॉयमेंट जनरेट तो होगी, जो स्मॉल बिजनेस वाले हैं वो भी इफेक्ट होंगे? नहीं मैम, जो ऑलरेडी बिजनेस चल रहे हैं वो तो चलते रहेंगे, कुछ कोई इफेक्ट नहीं होगा उससे। पहले भी तो थे, बिग बाज़ार भी था जी, और भी बहुत सारे मॉल्स हैं, यहाँ पर भी हैं, वे में भी हैं, सब जगह है, चलेगा, हम ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, ओपन होनी चाहिए, क्यों नहीं ओपन होनी चाहिए, जब इंडिया के हर एक सिटी में स्टोर्स खुल रहे हैं, मॉल्स खुल रहे हैं, यहाँ पे भी मॉल्स खुल रहे हैं, सब कुछ, तो रिलायंस के साथ क्या है, तो एक कंपटीशन होता है। देखिए, कॉन्सेप्ट क्या था पहले कि रिलायंस के ये स्टोर्स खुलेंगे तो किराने वाले बंद हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आई हैड बीन लिविंग इन द सिटी पुणे फॉर लास्ट 22 ईयर्स, वहाँ पे इतने स्टोर्स एंड मॉल्स ओपन हुए हैं, बट किराने वाले उसी रफ्तार से भी बड़े हैं जी, जी। वो भी खुले हैं, तो इससे कुछ नहीं होता। एक ग्राहक जो होता है, एक कस्टमर को, उसको चॉइस मिलता है, और कोई बात नहीं है, खुलनी चाहिए और सबको इसका साथ देना चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए ओपन, क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट मिलेगी जी बच्चों को, और सबसे बेसिक बात है कि जो हमारी सोच है जम्मू वालों की, वो बदलनी चाहिए। अब क्या सोच बदलनी चाहिए, मतलब कंजर्वेटिव जो सोच है जी, जी, जी। वो चेंज होनी चाहिए। तो मैम, एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगी ही, स्मॉल बिजनेस इफेक्ट नहीं होगा इससे, लोकल बिजनेस, स्मॉल शॉप की? जिन सिटीज़ में बाहर रिलायंस के स्टोर्स हैं, वहाँ स्टोर्स नहीं है छोटे छोटे जी, वहाँ भी तो हैं, वो लोग भी तो काम कर रहे हैं जी। काम करना, मेहनत करो, काम करो, सबसे होगा ठीक। इससे कहीं ना कहीं स्मॉल बिजनेस या लोकल शॉपकीपर्स इफेक्ट नहीं होंगे? मैडम, कुछ इफेक्ट नहीं होता। इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ पे कंज्यूमर का जो पावर है ना, परचेज पावर हर साल बढ़ता ही जा रहा है, और कंज्यूमर्स बढ़ते जा रहे हैं जी। तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, इनफैक्ट स्टोर से वो लोग अपना सामान भी लेके वहाँ पे बेचते हैं जी, जी। तो हमने वो भी देखा है बड़े सिटीज़ में, जहाँ पे छोटे छोटे किराने वाले जो स्टोर्स में उनको कम दाम पे सामान मिलता है, वहाँ से सामान उठा के वो बेचते हैं होलसेल में जी। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और हम मिडिवल पीरियड में तो नहीं रह सकते कि ये नहीं खुलना चाहिए तो दूसरा बंद हो जाएगा या कुछ। फिर तो ट्रेन्स भी नहीं होनी चाहिए थी, फिर तो ई रिक्शाज आ रहे हैं, तो फिर ऑटो वाले बोलेंगे कि हमारा क्या होगा, फिर कल को मेट्रो आएगी तो बोलेंगे, मेटाडोर वाले बोलेंगे, तो ये कभी बंद नहीं होगा। ये डेवलपमेंट ऐसे चलनी चाहिए और खुलने चाहिए स्टोर। तो ये इसमें मैं थोड़ा सा अपना ये रखूँगा पक्ष, तो इसमें थोड़ा कंपटीशन भी आएगा जी। थोड़ा पब्लिक को इसमें रेट्स जो है ना चीज़ों के थोड़े से वो सस्ते मिलेंगे, कुछ चीज़ें जो बाहर हमें महंगी मिलती हैं, इसके आने से थोड़ा सा आम पब्लिक को थोड़ा कंपटीशन की वजह से रेट्स में थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन उसके साथ में जो बाकी जो लोग हैं ना जिनका रोजी रोटी जुड़ा है, स्मॉल बिजनेस जो है, उनको भी हमें गौर में रखना चाहिए, ताकि उन बेचारों की जो रोजी रोटी है वो ना चली जाए, अफेक्ट हो। तो मेरा यही पॉइंट है कि उनको भी मद्देनजर हम रखें दिमाग में, और इनको भी बढ़ावा दें, ताकि आम पब्लिक को उसमें फ़ायदा मिल जाए, और एम्प्लॉयमेंट भी हमारी चलती रहे, लोगों की रोजी रोटी भी चलती रहे। तो जम्मू की जनता की राय हमने जानी कि रिलायंस के स्टोर्स ओपन होने चाहिए या नहीं, जहाँ की काफ़ी लोगों ने ये जवाब दिया कि ये स्टोर्स ओपन होने चाहिए, इससे काफ़ी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी लोगों को, और बहरहाल लोगों ने ये भी कहा कि जो स्मॉल बिजनेस है, लोकल शॉपकीपर्स हैं, वो भी इफ़ेक्ट होंगे। तो
गवर्नमेंट को एक ऐसा सोल्यूशन निकाला जिससे स्मॉल बिजनेस भी इफेक्ट ना हो और स्टोर्स भी चले। तो आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और देखते रहिएगा द बकलोल टीवी।